आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता और टेस्टी नमक पारे। यह एक बेस्ट टी टाइम स्नैक्स है। इसे हम 2 हफ्ते तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। झटपट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। चलिए शुरू करते हैं नमक पारे बनाना। नमक पारे बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है। इसमें आधी चम्मच हाथों से क्रश करके अजवाइन डालेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक और अजवाइन को अच्छे से मिला लेंगे आटे में। इसमें अब 4 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से नमक पारे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। घी नहीं डालना चाहते आप तो इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। अब घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को आटे में बहुत अच्छे से मसल मसल के मिला लेना है। घी को अब आटे में बहुत अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे। आटा बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो घी डाला है एकदम परफेक्ट है। अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो इसमें हल्का सा घी डाल के मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें पानी डाल के टाइट आटा गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइट आटा गूंथ लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसका हमने एकदम टाइट आटा गूंथ लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ढक के रखेंगे जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। 20 मिनट हो गए हैं, आटा अब अच्छे से सेट हो गया है। इसे थोड़ा मसल लेंगे हम। इसके अब 2 पार्ट्स कर लेंगे। अब इन्हें बॉल का शेप दे देंगे। अब एक बॉल लेंगे और इसे बेल लेंगे। इसे बहुत पतला नहीं बेलेंगे, रोटी से थोड़ा मोटा इसे बेलेंगे। देखिए हमने इसे बेल लिया है, रोटी से थोड़ा मोटा बेला है इसे। अब इसे आप अपनी पसंद के शेप में काट सकते हैं। इसे आप डायमंड, स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे भी आपको पसंद है उस शेप में काटिए। अब इन्हें एक चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से दूसरे बॉल को भी बेल के हमने कट कर लिया है। अभी ये आपस में चिपके हुए से लग रहे हैं, लेकिन जब इसे तलेंगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तेल को हमने पहले से गर्म करके रख लिया है। इसमें अब एक नमक पारा डाल के देखेंगे। नमक पारा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल बिल्कुल सही है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें नमक पारे डालेंगे। नमक पारे अब धीरे धीरे ऊपर आ गए हैं। अब इन्हें पलट पलट के तल लेंगे। इन्हें हम लो फ्लेम में इसलिए तलते हैं ताकि अंदर से भी अच्छे सिक जाए और करारे हो जाए। अब इसमें हल्का सा कलर आ गया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसे और अधिक फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि निकालने के बाद भी ये अंदर से कुक होता है और इसका कलर डार्क हो जाता है। इसे अब एक छलनी में रखेंगे जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और ठंडा होने पर ये क्रिस्पी बने रहेंगे। इसी तरह से हम इसका दूसरा बैच भी तल लेंगे। लीजिए तैयार है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी नमक पारे। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।